चीन में रहने वाले ली चिंगजू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में ये माना जाता था कि उनकी मौत 256 साल की उम्र में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म 1677 में हुआ और देहांत 6 मई 1933 को हुआ था। तब तक वे 24 पत्नियां रख चुके थे। ली चिंगजू अपने पूरे जीवन काल में लगभग 200 वंशज प्रोड्यूस कर चुके थे और कुछ और सोर्स की माने तो वे 180 वंशज प्रोड्यूस कर चुके थे। लगभग 11 से भी ज्यादा जनरेशन वे अकेले ही दे चुके थे। ली चिंगजू को जड़ी बूटियों का बेहद शौक था। वे 13 साल की उम्र से ही जड़ी बूटियां तलाशते रहते थे, जिसके चलते वे एक कंट्री से दूसरे कंट्री सिर्फ जड़ी बूटियां ही इकट्ठी किया करते थे। जब वे काइजान शिफ्ट हुए तब उन्होंने 72 साल की उम्र में एज ए मार्शल आर्ट टीचर आर्मी ज्वाइन की, लेकिन 78 की उम्र में उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें 100 ईयर्स कंप्लीट करने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था और ऐसे ही 150 और 200 ईयर्स ऑफ लाइफ कंप्लीट करने के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। 1927 में नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी जनरल यांग सेल ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया। उस वक्त उनकी ये पिक्चर ली गई थी। ली चिंगजू के देहांत के बाद आर्मी जनरल यांग सेल ने अपनी एक रिपोर्ट द फैक्चुअल अकाउंट ऑफ 250 ईयर्स ओल्ड गुड लक मैन में उनके बारे में लिखा और उनके अपीयरेंस के बारे में बताया। उनकी आईसाइट बेहद अच्छी थी और वे 7 फुट लंबे थे, जिनके नाखून काफ़ी बड़े थे। 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि ली के पड़ोस के कई बूढ़े लोगों ने यह दावा किया कि उनके दादाजी उन्हें तब से जानते थे जब वे लड़के थे और ली चिंगजू उस समय एक बड़े आदमी थे। और 1930 न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल के अनुसार ली चिंगजू 1677 में जन्मे थे। ली चिंगजू अक्सर कुछ खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे लिंगजी, गोजी बेरी, वाइल्ड गेसेंग, ही साउ वू, गोटू कोला और राइस वाइन के साथ वे और भी चाइनीज जड़ी बूटियाँ खाया करते थे और वे केवल इन्हीं जड़ी बूटियों को अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लिया करते थे। शायद यही कारण था कि वे 250 साल तक जिए।